फ्रेंड्स दुर्गाशाला में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हमने इससे पिछली वीडियो में अपना राइट साइड का फ्रंट साइड का पीस बना लिया था अब हम इसका ये लेफ्ट साइड का पीस बनाएंगे आइए फ्रेंड्स हम इसे स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स अब हम अपना ये लेफ्ट साइड का फ्रंट साइड का पीस बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें फोर्टी फंदे डाले हैं तो फ्रेंड्स अब हम इसमें अपना बॉर्डर बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक सिलाई पूरी ऐसे सीधे वाली बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो देखिए ये सिलाई हम अपनी पूरी सीधी सीधी ही बनाएंगे तो ये फंदे भी फ्रेंड्स हमने अपने डबल धागे से ही बनाए हैं देखिए हमारा डबल धागा है तो इससे हमने ये फंदे डाले हैं और हमारी ये बॉर्डर की पहली सिलाई है इस सिलाई को हम पूरा सीधा बनाते हुए देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा ही निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स हमने अपनी ये पहली सिलाई पूरी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट की है अब हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से भी ये सिलाई हम अपनी पूरी सीधे वाले बनाते हुए ही निकाल लेंगे सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी तो इस सिलाई को भी पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से फिर से हम अपनी पूरी सिलाई सीधी ही बनाएंगे तो इस सिलाई को भी पहली सिलाई के जैसे ही निकालते हुए कंप्लीट करेंगे यह सिलाई हमने निकाल ली है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड है सीधी साइड से फिर से हमारी ये चौथी सिलाई है और इस सिलाई को भी हम पूरा अपना सीधे सीधी बनाते हुए ही कंप्लीट करेंगे तो ये सिलाई फ्रेंड्स हमने पूरी बना ली है अब हम इसकी सीधी साइड है तो so फ्रेंड्स हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से हमारी पांचवी सिलाई है इस सिलाई में हम पहले अपनी पूरी सिलाई सीधी निकालेंगे लास्ट के पांच फंदों पर हम अपना बटन होल बनाएंगे लेफ्ट साइड का पीस है हमारा तो ये पीस हमारा ऐसे सीधा होएगा तो यहाँ की साइड हम अपना बटन होल बनाएंगे तो पहले तो हम अपनी ये सिलाई पूरी पाँच फंदे छोड़ कर बाकी के सारे फंदों को हम अपना सीधा सीधा बुनते हुए निकाल लेंगे इधर से हम पाँच फंदे छोड़ देंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये फंदे हमने अपने सीधे बना लिए हैं लास्ट के पांच फंदे हमारे एक दो तीन चार पाँच ये हमारे बटन पट्टी के हैं तो इसमें हम अपना होल बनाएंगे तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग के यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदों का हम एक करेंगे ये हमने दो फंदों का एक किया पहले एक फंदा सीधा बुना दो फंदों का एक किया धागा आगे करेंगे एक जाली बनाएंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे तो देखिए हमने अपने पांच फंदों पर यहाँ पर जाली डाली है पहले हमने एक फंदा सीधा बुना दो फंदों का एक किया जाली डाली दो फंदे सीधे बुने इस सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं तो फ्रेंड्स हम उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से हम इस सिलाई को सीधा सीधा ही बुनेंगे जो हमने बटन होल बनाया इसे भी हम सीधा ही बुन देंगे यानी कि पूरी सिलाई को इसी प्रकार से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने निकाल ली है अब हम इसकी सीधी तो तरफ है तो फ्रेंड सीधी तरफ है सीधी तरफ से ये सिलाई भी हमारी सीधी ही बनेगी तो इस सिलाई को भी पूरा सीधा सीधा निकालते हुए कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने निकाल ली है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से भी हमारी ये आठवीं सिलाई है और इस सिलाई को भी पूरा हम सीधा सीधा बुनते हुए ही कंप्लीट करेंगे तो ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी निकाल ली है अब हम इसकी सीधी तरफ हैं और हमारा बॉर्डर इसमें बन चुका है इसको हम इसमें बनाने के लिए हमने इसमें आठ सिलाइयाँ सीधी सीधी निकाली हैं तो एक दो तीन चार चार रो हमारी इसमें बन गई है अब हम इसमें अपना आगे पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स हम इसमें आगे अपना पैटर्न बनाएंगे पैटर्न बनाने के लिए हमने इसमें दूसरा कलर लिया है ये हमने ग्रे कलर यहाँ पर लिया है दूसरा तो इसको हमने अपने रेड कलर के धागे के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है तो अब हम इसमें ग्रे कलर से बनाते हुए पूरी सिलाई अपनी सीधी सीधी निकाल लेंगे जो हमने कलर ज्वाइन किया है उस कलर से ही हम ये सिलाई अपनी पूरी सीधी सीधी बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई हम सीधी बनाएंगे पट्टी के फंदे छोड़कर पांच फंदे हम छोड़ देंगे बाकी के सारे फंदे हम अपने ग्रे कलर से सीधे सीधे बुनते हुए बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी ये सिलाई ग्रे से बना ली है अब इधर मैंने ये सात फंदे लिए हैं पांच फंदे तो हमारे पट्टी के हैं दो फंदे हमारे इधर के हैं इसमें मैंने अपना रेड कलर ज्वाइन किया है क्योंकि हम अगर सात के साथ रंग अपना इधर से कलर ले आएंगे रेड तो हमारे इधर से धागा वेस्ट जाएगा इसलिए हमने पट्टी के लिए बटन पट्टी जो बनाएंगे उसके लिए अलग से हमने यहाँ पर धागा ज्वाइन किया है तो इस धागे को हमने देखिए ग्रे कलर से ज्वाइन करने के बाद पहले हम दो फंदे हमारे ग्रे के बनेंगे सात फंदों में से तो हमारी ये पूरी सिलाई ग्रे से बन गई अब इससे आगे के जो हमारे पांच फंदे हैं पांच फंदों को हम रेड कलर से बना देंगे देखिए तो इस तरीके से एक बार ग्रे कलर के धागे को हम रेड कलर से ऐसे दबा देंगे और आगे के फंदे भी हम अपने सीधे बुनेंगे पट्टी के पाँच फंदे हमने ये सीधे बुने हैं अगर हम इसको पूरी सिलाई निकाल कर यहाँ पर ज्वाइन करते तो यहाँ पर हमारा होल बन जाता इसलिए हमने दो फंदे छोड़कर पीछे से ज्वाइन किया है तो यहाँ पर हमारा होल नहीं बना है इसलिए हमने ये पीछे से ज्वाइन किया है तो इस सिलाई को निकालने के बाद अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से जो हमारे बटन पट्टी के पांच फंदे हैं इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे एक दो तीन चार और एक ये पाँच बटन पट्टी के फंदे हम दोनों साइड से हर सिलाई में सीधे सीधे ही बनाएंगे धागा आगे करेंगे आगे के ग्रे फंदों को हम ग्रे कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे लाल धागे को एक बार हम इधर लेकर आएंगे ग्रे धागा हमारा इधर है तो इधर से बनाते हुए हम ये सिलाई अपनी पूरी ग्रे कलर से उल्टी बना देंगे इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे दूसरी साइड से हमारा देखिए दूसरा धागा ज्वाइन है तो इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स ये सिलाई देखिए हमने अपनी पूरी उल्टे बुनते हुए निकाल ली है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी तरफ हैं सीधी तरफ से आप देखिए ग्रे कलर को हम अपने यहीं छोड़ देंगे अब हम अपने रेड कलर से बनाएंगे तो रेड कलर से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को रेड कलर से ही सीधा बुनेंगे तो देखिए ये सिलाई हमने अपनी जो ग्रे कलर के फंदे थे वो हमने पूरे अपने इधर वाले धागे से ही रेड कलर से बुन लिए हैं अब हमारे बटन पट्टी है तो ये हमारा धागा इधर का है ये हमारा इधर से ज्वाइन किया हुआ है अब इस धागे से ही हम जो हम इधर से ला रहे हैं इस धागे से ही अपने बटन पट्टी के फंदे बना देंगे एक फंदा देखिए हमने ये इस तरीके से सीधा बुना जो हमारा ये धागा है इसे हम एक बार इसके साथ ऐसे ऊपर लेकर आएंगे तो आगे के फंदे भी हम अपने पूरे इसी धागे से जो हमारा यहाँ से हम बनाते हुए गए हैं इसी यहाँ वाले धागे से हमने पूरी सिलाई अपनी ये सीधी बनाई है तो इस सिलाई के बाद अब हम उल्टी साइड हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से भी हम अपनी पूरी सिलाई पहले पट्टी के फंदे सीधे बनाएंगे पांच फंदे हम ये सीधे बनाएंगे दाग आगे करेंगे आगे की पूरी सिलाई हम अपनी इसी वाले धागे से बनाते हुए उल्टी उल्टी लास्ट तक लेकर जाएंगे इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने पूरी बना ली है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से देखिए ग्रे धागा हम अपने ऐसे ऊपर लेकर आएंगे रेड धागे से ही दोबारा से हम अपनी दो सिलाई इसी तरीके से निकाल लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी तीसरी और चौथी सिलाई निकाल ली है उसी तरीके से पाँचवीं और छठी सिलाई को भी हम अपनी रेड कलर से बनाते हुए ही कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने पूरी सीधी अपनी इधर वाले धागे से ही बनाते हुए कंप्लीट की है सीधी सीधी अब हम इसकी उल्टी साइड है तो अब हम उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से पहले अपने पांच फंदे सीधे बनाएंगे पट्टी के पांच फंदे हमने सीधे बनाए धागा आगे तो जो हमारा ये नीचे धागा है इधर की खिजवाइन वाला इसे हम एक बार ऐसे ऊपर लेकर आएंगे और आगे के सारे फंदों को हम अपने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे तो ये सिलाई भी हमने अपनी कंप्लीट की है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड है सीधी साइड से देखिए हम अब हम अपनी दो सिलाइयाँ ग्रे कलर से निकालेंगे इस रेड कलर को यहीं पर छोड़ देंगे ग्रे कलर से पूरी सिलाई हम अपनी सीधे बनाते हुए निकाल लेंगे तो ग्रे कलर से बनाएंगे पट्टी के फंदे हम अपने इस रेड कलर से रेड बनाएंगे तो ये बीच के फंदे हम बना लेते हैं तो फ्रेंड्स अपनी ग्रे सिलाई बनाते हुए हमने निकाल ली है बटन पट्टी पर है तो इस बटन पट्टी को हम यहाँ पर दिख ग्रे धागे को ऐसे लेकर जाएंगे इधर से हम इनको रेड कलर का बना देंगे तो ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट की है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स उल्टी साइड से पहले हम अपने बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे पांच फंदे बनाए दाग आगे करेंगे रेड धागे को हम ऐसे इधर लेकर आएंगे ग्रे धागे को इधर से तो आगे की पूरी सिलाई हम अपनी ग्रे कलर से बनाते हुए उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से देखिए फिर से हम रेड कलर लेंगे अपना रेड कलर से पूरी सिलाई हम अपनी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो इस धागे से ही हम अपनी पूरी सिलाई निकालेंगे बटन पट्टी के फंदे भी हम अपने इसी धागे से बनाएंगे ये हमारा यहीं पर है धागा तो इस सिलाई को निकाल लेते हैं तो ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी पूरी रेड कलर से सीधी सीधी बना ली है अब हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से अब हमारी ये दसवीं सिलाई है दसवीं सिलाई को फ्रेंड्स हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे, पूरी सिलाई को ही बटन पट्टी के फंदे भी हमारे सीधे ही बनेंगे और बीच के सारे फंदे भी हमारे सीधे ही बनेंगे यानी कि हम फोर्टी फंदों को देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर धागा है इसी धागे से हम बनाते हुए जाएंगे तो इस तरीके से बनाते हुए हम अपनी सिलाई को पूरा सीधा सीधा कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है तो देखिए इधर हमारी एक रो यहाँ पर बन गई है दोनों साइड से सीधी सिलाई बनाते हुए अब हम इसकी सीधी साइड है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी साइड है सीधी साइड से फिर से हम दोबारा से पहले तो अपना ग्रे धागा से ऊपर लेकर आएंगे उसके बाद रेड कलर से पूरी सिलाई हम अपनी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो इस सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे ये सिलाई हमने अपनी पूरी सीधी बना ली है और हम अपना नीचे वाला धागा देखिए जो हमारे यहाँ पर धागा था इसे हम ऊपर ले आए हैं तो इस सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स उल्टी सिलाई को भी हम पूरी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे देखिए ये हमारे पांच फंदे हम पहले सीधे बनाए बटन पट्टी के इससे आगे के फंदे भी हम सारे सीधे ही बनाएंगे तो इस सिलाई को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स ये सिलाई भी हमने सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर हमने चार सिलाइयाँ सीधी सीधी निकाल ली हैं। तो देखिए इससे हमारी एक और एक ये दो दो रो यहाँ पर हमारी बन गई हैं सीधी सीधी सिलाइयाँ निकालने से तो अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी देखिए सीधी साइड है सीधी साइड से अब हम अपना ग्रे कलर से बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रे कलर से दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और एक ये दो दो फंदे हमने सीधे बुने अब इससे आगे हम धागा आगे करेंगे एक जाली डालेंगे दो फंदे हम सीधे बनाएंगे तो जो दो फंदे हमने सीधे बुने जो हमने राइट साइड का पीस भी बुना था उसमें भी लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे आए थे तो यहाँ से हमारा देखिए लास्ट का हिस्सा है तो यहाँ पर भी हमारे दो फंदे सीधे बुनेंगे हम क्योंकि इधर से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट है लेफ्ट साइड से हमारा सीधी साइड से पैटर्न स्टार्ट होता है इधर की साइड हमारी ये पट्टी बनती है तो देखिए हमने क्या किया एक फंदा एक जाली डाली दो फंदों का एक किया अब हम दोबारा से देखिए धागा आगे करेंगे एक जाली डालेंगे और फिर से हम दो फंदों का एक करेंगे फिर से धागा आगे एक जाली और दो फंदों का एक धागा आगे एक जाली दो फंदों का एक धागा आगे एक जाड़ी दो फंदों का एक एक जाड़ी दो फंदों का एक करते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे एक जाड़ी दो फंदों का एक करते हुए हम देखिए लास्ट में आए हैं अब इधर से मेरे पांच फंदे बटन पट्टी के हैं तीन फंदे हो रहे हैं तीन फंदों में से पहले हम एक जाड़ी बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे अब एक फंदा हो रहा है हमारा इसे हम सीधा ग्रे कलर से ही बना लेंगे इससे आगे के फंदे अब हमारे इधर वाले धागे से हम रेड कलर से बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये हमारे जो यहाँ पर हमने धागा ज्वाइन किया था उससे हमने पट्टी बनाई है बाकी के ग्रे के फंदे हमने एक जाली दो फंदों का एक करते हुए ये सिलाई पूरी कंप्लीट की है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं उल्टी तरफ से पहले पांच फंदे अपने सीधे ही बुनेंगे बटन पट्टी के फंदों को धागा आगे करके लेके आएंगे और इस धागे को ऐसे करते हुए ग्रे कलर के धागे से पूरी सिलाई हम अपनी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे तो इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए निकाल देंगे तो फ्रेंड्स मैंने उल्टी तरफ की ये सिलाई बना ली है अब हम इसकी सीधी तरफ फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड है सीधी साइड से अब हम रेड कलर से अपनी बनाएंगे पूरी सिलाई सीधी सीधी तो देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे रेड जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इन्हें भी हम पूरा सीधा सीधा इसी धागे से बना लेंगे तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो सीधी तरफ है सीधी तरफ उल्टी तरफ है हम उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमारी सीधी ही बनेगी पट्टी के फंदे भी हमारे सीधे और बीच के फंदे भी सारे हमारे सीधे ही बनाएंगे उल्टी तरफ की सिलाई है हमारी ये तो इस सिलाई को पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली अपनी उल्टी तरफ से अब हम इसकी सीधी तरफ हैं तो फ्रेंड्स हम सीधी तरफ हैं सीधी तरफ से फिर से हम अपनी पूरी सिलाई सीधी सीधी ही निकाल लेंगे तो इस सिलाई को भी हम अपनी पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट की है अब हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंड्स हम दोबारा से उल्टी साइड है उल्टी साइड से फिर से हम अपनी पूरी सिलाई सीधी बनाते हुए तो ही कंप्लीट करेंगे इस तरीके से पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही हम यहाँ पर भी इस सिलाई को बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये सिलाई भी हमने पूरी सीधी निकाल ली है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो सीधी तरफ फ्रेंड्स अब हम देखिए अपना यहीं से पैटर्न स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पैटर्न की पहली सिलाई निकाली थी यहाँ से लेकर यहाँ तक के पैटर्न में हमारी 18 सिलाइयाँ एटीन सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर निकली हैं तो इन 18 सिलाइयों को ही आगे हम अपने रिपीट करते हुए आगे अपनी इसकी लंबाई बनाएंगे तो अब हम इसकी सीधी तरफ हैं तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से अब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे ही स्टार्ट करेंगे पूरी सिलाई हम अपनी ग्रे कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को ग्रे कलर से हम सीधी सीधी ही निकाल देंगे तो ये पैटर्न हम अपना इसी तरीके से रिपीट करेंगे अट्ठारह सिलाइयों का हमारा पैटर्न है अट्ठारह सिलाइयों को रिपीट करते हम अपना ये पैटर्न बनाएंगे और जो कि देखिए हमने यहाँ पर ये बटन होल बनाया था इसके बाद हमारी ये अठारह रो बनाने के बाद हम दोबारा से बटन होल बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह रो हमारी बन गया सात रो और बनाएंगे यानी कि चौदह सिलाइयाँ और निकालने के बाद फिर हम अपना ऊपर एक बटन होल बनाएंगे तो हम अपना आगे का ये पैटर्न बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक का पैटर्न हमने अपना बना लिया है ये हमने यहाँ पर होल बनाया था होल के बाद हमने यहाँ तक पर थर्टी टू सिलाइयाँ थर्टी टू सिलाइयाँ हमने यहाँ से लेकर पैटर्न से लेकर यहाँ तक कि हमने थर्टी टू सिलाइयाँ निकाल ली है अब हमारी थर्टी थ्री नंबर की सिलाई है तो अब हम इसमें यहाँ पर होल बनाएंगे जहाँ पर हमने होल बनाया था यहाँ से हमारी देखिए ये छत्तीस सिलाइयाँ निकल चुकी हैं तो अब हम इसमें सीधी साइड है तो फ्रेंड्स अब तो हम सीधी साइड है सीधी साइड से रेड कलर से बनाते हुए हम अपनी सिलाई को सीधा ही बुनेंगे तो इस तरीके से इस सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ तक के हम अपने सारे फंदे सीधे बना लेंगे तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड ये फंदे हमने अपने सीधे बना लिए हैं अब हम बटन पट्टी पर हैं बटन पट्टी पर अब यहाँ पर हम एक होल बनाएंगे एक हमने यहाँ पर बनाया था नीचे की साइड अब हम एक होल यहाँ पर बनाएंगे अट्ठारह रो हमारी इसके बाद ये बन चुकी है होल के बाद तो अब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले पांच फंदों में से एक फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदे हैं हमारे दो फंदों को हम एक करेंगे दो फंदों को हमने एक किया धागा आके करेंगे एक जाली और दो फंदे सीधे बनाएंगे तो बटर बनाने के लिए पहले हमने होल बनाने के लिए एक फंदा सीधा बुना दो फंदों को एक किया एक जाली डाली और दो फंदे हमने सीधे बुने तो इस सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड हैं तो फ्रेंड्स होल बनाने के बाद इसकी उल्टी साइड है अब इससे आगे हम अपना ये पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने वन नंबर रो से लेकर एटीन नंबर रो तक हमने जो पैटर्न बनाया उसी तरीके से आगे हम रिपीट करते हुए बनाएंगे जब हमारी दरिए दोबारा से अठारह रो बन जाएगी फिर से हम एक होल बनाएंगे तो आगे हम अपना ये पैटर्न बना लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने यहाँ पर होल बनाया था इस होल के बाद हमने अपनी ये अठारह रो बना ली है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह रो बनाने के बाद हम इसकी सीधी तरफ तो फ्रेंड सीधी साइड से हमने अपने ये सिलाई निकाल ली है सीधी सीधी रेड कलर से पट्टी वाले फंदों पर हम तो अब इसमें हम बटन होल बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम देखिए जो धागा इसे ऐसे ऊपर लेकर आएंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे पांच फंदों में से दो फंदों का हम एक करेंगे इसके बाद धागा आगे करेंगे एक जाली और दो पंदे सीधे तो ये देखिए हमने यहाँ पर भी अपना बटन होल बना लिया है तो अब ये सिलाई बनाने के बाद हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारी इतनी लंबाई इसमें बन चुकी है अब इससे आगे जो हमारी लंबाई रहती है वो लंबाई हम अपनी कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने पीस की आगे की लंबाई पूरी कंप्लीट कर ली है यहाँ तक का बनाने के बाद हमारी इस पीस की लंबाई पूरी है तो अब हम इसमें आगे अपने होल की घटाई वगैरह करेंगे तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हमने इसमें आठ सिलाइयाँ पहले बॉर्डर की निकाली उसके बाद पैटर्न की हमने इसमें अस्सी सिलाइयाँ निकाली एटी सिलाइयाँ हमारी टोटल इसमें निकली हैं नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ तक हमारी एटी एट सिलाइयाँ हमने इसमें बनाई है तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अपने फंदों की कटाई करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड के पीस की करी थी तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदे हमने सीधे बुने अब हम दो फंदों का एक करेंगे दो फंदे हमने एक किए दो फंदों का एक किया इससे आगे अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदे हमने सीधे बुने दोबारा से हम दो फंदे लेंगे देखिए एक और एक ये दो फंदे लिए दो फंदों का एक करेंगे फिर से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदों का एक फिर से दो फंदे सीधे एक दो दो फंदों का एक फिर से दो फंदे सीधे दो फंदों का एक इस सिलाई में हम ऐसे ही करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे फिर से दो फंदे सीधे दो फंदों का एक दो फंदे सीधे दो फंदों का एक यहाँ पर अब हमारे दो फंदे बचे हैं इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे दो फंदों का एक किया दो फंदे सीधे बनाए आगे की बटन पट्टी हम अपनी पांच फंदे सीधे ही बनाएंगे तो ये सिलाई में हमने घटाई की है इसके बाद हम उल्टी साइड है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उल्टी साइड हैं पहले हम अपने पट्टी के फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पांच फंदे हमने सीधे बनाए धागा आगे करेंगे जो हमारा नीचे है इसे हम ऐसे ऊपर लेकर आएंगे। और आगे की पूरी सिलाई हम अपनी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे ये सिलाई हमने उल्टी बुनते हुए निकाल ली है अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से देखिए सबसे पहले हम अपने जो ग्रे धागा इसे ऊपर लेकर आएंगे इस तरीके से और यहाँ से पहले हम तीन फंदे अपने सीधे बनाएंगे तीन फंदे सीधे बनाने के बाद इससे आगे अब हमारी ग्रे कलर से बनेगा पहले तो हम एक फंदा सीधा बनाएंगे उसके बाद दो फंदे का एक करेंगे फिर से दो फंदों का एक करेंगे अब दो फंदे सीधे एक दो फिर से दो फंदों का एक एक दो दो फंदों का एक किया दोबारा से फिर से दो फंदे सीधे एक, एक।, एक।, एक दो फिर से दो फंदे सीधे बनाने के बाद दो फंदों का एक दोबारा से दो फंदों का एक फिर से दो फंदे सीधे एक दो फिर से दो फंदों का एक दो फंदों का एक एक फंदा बचे इसे हम सीधा बुन लेंगे आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं जो हमारे इधर वाग्य है उससे हम अपने बटन पन, पट्टी के फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे तो ये सिलाई देखिए हमने फंदे कटाते हुए कंप्लीट की है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उल्टी साइड है पहले हम अपने बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे सीधे सीधे एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे हमने सीधे बनाए धागा आगे करेंगे अब देखिए जो फंदा हमने इधर से सीधा बुना था एक फंदा इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और जो दो फंदों का एक दो फंदों का एक किया था इन दो फंदों को हम इधर से सीधा बुनेंगे एक दो पहला फंदा हमने उल्टा बुना आगे के दो फंदे सीधे जो हमने कटाई वाले फंदे थे धागा आगे करेंगे जो दो फंदे सीधे बुने इनको हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे गटाई वाले फंदे दो फंदों को एक दो फंदों को एक किया था इनको हम सीधा बुन लेंगे फिर से दो फंदों का उल्टा दो फंदों को सीधा गटाई वालों को हम उल्टी साइड से सीधा बुन रहे हैं और जो हमने सीधे बुने थे उनको हम उल्टा बुन रहे हैं तो ये दो फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे धागा आगे जो एक फंदा इधर से देखिए सीधा बुना था इसे भी हम यहाँ से उल्टा बुन देंगे अब ये धागा हमारा यहीं पर रहेगा इधर से हमारा रेड कलर का धागा लेंगे इस धागे को ऊपर से ऐसे ले जाते हुए ये धागा पीछे करेंगे और लास्ट के तीन फंदों को हम सीधा बुन देंगे तीन फंदे हम हर सिलाई में दोनों साइड से सीधे ही बुनेंगे इधर से तीन और इधर से बटन पट्टी के पाँच तो इस सिलाई को बनाने के बाद अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी साइड है सीधी साइड से पहले अपने तीन फंदे सीधे बनाएंगे रेड कलर से अब देखिए इससे आगे हमने जो फंदा सीधा बनाया हमारे इधर से सीधा है इसे हम सीधा ही बुन लेंगे जो दो फंदे हमारे उल्टे हैं देखिए ये वाले दो फंदे उल्टे हैं इन दो फंदों का हम एक कर देंगे सीधी साइड से रेड कलर से दो फंदों का एक इससे आगे दो फंदे सीधे फिर से देखिए दो फंदे उल्टे हैं इन दोनों फंदों का एक करेंगे दो फंदे सीधे फिर से दो फंदे उल्टे हैं इनका एक कर देंगे दो फंदों का एक दो फंदे सीधे फिर से दो फंदों का एक और लास्ट का फंदा देखिए सीधा है इसे हम सीधा ही बुन लेंगे और जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको भी हम सीधा ही बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे तो ये सिलाई हमने कंप्लीट की है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंड्स अब उल्टी साइड है उल्टी साइड से पहले पांच फंदे सीधे पांच फंदे सीधे धागा आगे ये फंदा इधर से हमारा सीधा है इधर से हम इसको उल्टा बुन देंगे अब ये फंदा हमारा इधर उल्टा है इधर से हम इसको सीधा बुनेंगे धागा आगे दो फंदे इधर से हमारे सीधे हैं इधर से हम इनको उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे जो एक फंदा इधर से हमारा देखिए उल्टा है इसे हम सीधा बुनेंगे दो सीधे दो उल्टे एक सीधा फिर धागा आगे दो उल्टे धागा पीछे एक सीधा फिर से एक सीधा धागा आगे एक फंदा हमारा ये उल्टा धागा पीछे तीन फंदे हमारे ये सीधे तो इस सिलाई को बनाने के बाद हम सीधी साइड है तो फ्रेंड सीधी साइड है पहले हम अपने तीन फंदे सीधे रेड कलर से बुनेंगे मोड्डे की पट्टी के फंदे हमारे ये इसके बाद इससे आगे की पूरी सिलाई जो हमारा ग्रे कलर का है इससे बनाते हुए सीधी सीधी बनाएंगे हम क्योंकि सीधी साइड से कलर है हमारा ये तो इस साइड को हम सीधा सीधा बुनते हुए इस सिलाई को निकालेंगे पट्टी के हम फंदे रेड कलर से बनाएंगे ये वाले फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये फंदे हमने ग्रे कलर से सीधे बना लिए पट्टी के फंदे हैं पट्टी के फंदों को हम इधर वाले धागे से सीधा बनाएंगे पट्टी के फंदे हमने सीधे बनाए अब हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंड्स हम उल्टी साइड है पहले अपने पट्टी के फंदे बनाएंगे रेड कलर से अपने पट्टी के फंदे बना लेंगे धागा आगे करेंगे धागे को देखिए हम इधर की साइड लेकर आएंगे इस तरीके से और ग्रे धागा हमारा इधर इधर से हमारा पहला फंदा सीधा है इसको इधर से उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे इधर से उल्टा है इधर से सीधा बुनेंगे इधर से दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा हमारा जो ये पैटर्न है उल्टी सिलाई में ही बनेगा फिर एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा और लास्ट का एक फंदा उल्टा अब जो पट्टी के फंदे हमारे इन्हें हम सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लेकर आएंगे, ये वाला धागा पीछे करेंगे पट्टी के फंदों को सीधा बना लेंगे तो देखिए सिलाई के बाद अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड सीधी साइड है सीधी साइड से अब हमारी पूरी सिलाई सीधी सीधी बनेगी रेड कलर से तो देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा ही बना लेंगे हर एक फंदे को क्योंकि ये हमारा सीधी साइड से कलर दूसरा लग रहा है तो इसलिए इस सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे जब रेड कलर से बनाएंगे तब भी सीधा जब ग्रे कलर से सीधी साइड से बनाएंगे जब भी पूरी सिलाई सीधी सिर्फ पट्टी के फंदे ही सीधे रेड कलर से तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई भी हम अपनी कंप्लीट करेंगे पट्टी के फंदों को भी सीधा बुनते हुए बना लेंगे तो सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी तरफ आए तो फ्रेंड्स हम उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से फिर से हम देखिए पहले अपने पांच फंदों को सीधा बुनेंगे पांच फंदे हमने सीधे बुने दाग आगे एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा इधर से सीधा है उल्टी साइड से एक फंदा सीधा जो इधर से हमारा उल्टा है फिर से दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो, दो फंदे उल्टे एक, फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा दो एक फंदा उल्टा और लास्ट के तीन फंदे सीधे लास्ट के तीन फंदे हमने सीधे बुने इस सिलाई के बाद अब हम इसकी सीधी तरफ है तो फ्रेंड्स हम इसकी सीधी है। सीधी साइड साइड है से फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने में सेवन नंबर की जो रो बनाई थी सेवन और एट नंबर की वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे पहले तीन फंदे सीधे फिर से ग्रे कलर से हम अब पूरी सिलाई अपनी सीधी सीधी बनाते हुए जाएंगे तो फ्रेंड्स जैसे हमने अपनी सातवीं आठवीं नौवीं और दसवीं सिलाई निकाली है चार सिलाइयाँ निकाली हैं वैसे ही आगे को इसको हम रिपीट करते हुए अपने इस मोड़े की लंबाई को पूरा बनाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने मोटे की लंबाई बना ली है अब हम इसकी लास्ट की सिलाई पर हैं तो लास्ट की सिलाई है हमारी ये उल्टी तरफ से है तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने पांच फंदे पट्टी के बुन लेंगे तो देखिए हमने पांच फंदे पट्टी के बुने धागा आगे करेगा इससे आगे अब हम अपने देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे ग्रे कलर का धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे अब हम यहाँ पर हम अपना ये जो इधर की पट्टी का हमारा रेड कलर का धागा है इसे हम कट कर देंगे तो देखिए इसे यहाँ से काट कर इसे हम जो हमारा ग्रे कलर का धागा है इसके साथ एक बार यहाँ पर पक्का कर देंगे और बाकी के धागे को हम दबा देंगे तो देखिए इस तरीके से एक बार हमने यहाँ पर पक्का किया और अब हमने यहाँ पर ग्रे का एक उल्टा एक सीधा बनाया था धागा एक उल्टा एक सीधा धागा आगे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे तो जो हमारा रेड कलर का धागा इसे थोड़ा दबाएंगे। हम यहाँ पर इसके तरीके से दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा तो पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा तो अब यहाँ पर हम अपना ये ग्रे कलर का धागा भी काट देंगे ये हमने ग्रे कलर का धागा काटा जो हमारा इधर की साइड का ये रेड कलर का धागा इसके साथ हम अपने इस धागे को ज्वाइन कर देंगे देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया और धागे को रेड कलर वाले को पीछे लेकर जाएंगे तीन फंदे हम अपने सीधे बुनेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों तरफ के धागे काट दिए हैं और ये सिलाई निकालने के बाद अब हमारी इस पीस की लंबाई मोल की लंबाई बनकर तैयार है ये पीस हमारा तैयार है तो फ्रेंड्स हमारे ये तीनों पीस बनकर तैयार हैं फ्रंट साइड के भी और बैक साइड के भी तीनों पीस बनाने के बाद अब हम इसमें अपने मोडे की ज्वाइनिंग करेंगे तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ज्वाइनिंग करेंगे तो देखिए ये हमारा बैक पीस है सीधी साइड से हमने अपना ये बैक पीस रखा है तो हम ये राइट साइड का पीस लेंगे इसे हम इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हमारा देखिए सिलाई का नोक इधर की साइड है पहले हम अपने ये फंदे एक सिलाई लेंगे दूसरी दूसरी सिलाई में इन फंदों को हम ऐसे ही बिना बुना ही उतार लेंगे सारे फंदों को हम इसी तरीके से अपनी दूसरी सिलाई में उतार लेंगे तो देखिए हमने अपने ये फंदे उतार लिए हैं ट्वेंटी फंदे हमारे इधर बचे हैं फ्रंट पीस में ट्वेंटी फंदे बचे हैं ऊपर और ट्वेंटी फंदे ही हमारे दूसरे पीस में बचे हैं बीस बीस फंदे हमारे दोनों फ्रंट साइड के पीस में ऊपर यहाँ पर बचे हैं तो अब देखिए हम इनको इस तरीके से ऐसे रखेंगे ये हमारे मोडे का मोडे की साइड से है और बैक साइड का भी मोडे की साइड से है दोनों सिलाई को आपस में इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा आगे वाले पीस में से लेंगे एक फंदा पीछे वाले पीस में से दोनों में से एक एक फंदा लेंगे और यहाँ पर हम अपने इन फंदों को ज्वाइन कर देंगे दो का एक किया दोबारा से दो फंदे लेंगे दोनों सिलाई में से दो फंदों का एक किया पहला फंदा जो है वो हम दूसरे पे से उतार देंगे दोबारा से ऐसे ही हम दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और दोनों फंदों का एक करेंगे और पहला फंदा दूसरे फंदे पे से उतार देंगे तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने ये पूरे मोडे के फंदे हम ज्वाइन करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फंदे हमारे ट्वेंटी फंदे हम इधर से ज्वाइन करेंगे ट्वेंटी फंदे हमारे बैक साइड से दोनों पीस में से लेंगे और दो फंदों को एक किया और जो पहले से सिलाई में फंदे उसके ऊपर से उतार दिया फिर से दो फंदों का एक पहला फंदा उसके ऊपर से उतारेंगे तो इसी तरीके से हम अपने ये फंदे ज्वाइन कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये फंदे हमने अपने ज्वाइन कर दिया दोनों साइड से ट्वेंटी ट्वेंटी फंदे अब जो हमारा ये फंदा है इसके साथ हमारा ये धागा है इस धागे को हम देखिए पीछे लेकर जाएंगे और जिससे हम ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये धागा है इस धागे को हम पीछे की साइड ले जाकर बैक साइड में यहाँ पर हम अपने जो ज्वाइन वाला धागा है उसके साथ इसको एक बार पक्का कर देंगे धागे को इसके साथ हम इसे ये हमने पक्का किया अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे तो फ्रेंड्स हमने ये धागा कट किया है अब देखिए जो हमारे बैक साइड के पीस के फंदे हैं इसमें से हम ट्वेंटी फंदे इधर के छोड़कर इसमें हम अपना ये बड़ा पीस ज्वाइन करेंगे तो इधर से ट्वेंटी फंदे छोड़कर बैक साइड के जो एक्स्ट्रा फंदे हैं इन्हें हम बंद करेंगे तो इन्हें बंद करने के लिए देखिए जैसे हमारा ये उल्टा फंदा है उल्टे फंदे पर हम उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे पर सीधा बुनेंगे तो एक फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे और तो जो सिलाई में पहले से फंदा है वो इसके ऊपर से उतार देंगे एक फंदा और हमारा उल्टा है इसे भी हम उल्टा बुनेंगे इसे भी ऐसे ही उतार देंगे धागा पीछे करेंगे इससे आगे हमारे दो सीधे फंदे हैं सीधे फंदे में से पहले एक फंदा सीधा ये इसमें से उतार देंगे फिर से दोबारा से एक फंदा सीधा बुना पहला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे तो सीधे फंदे पर सीधा और उल्टे फंदे पर उल्टा बुनते हुए हम इन फंदों को भी इसी तरीके से बंद करेंगे तो बैक साइड के फंदे हम अपने ये बंद कर लेते हैं तो देखिये फ्रेंड्स हमने अपने बैक साइड के फंदे बंद कर दिए हैं पीछे से हमने थर्टी फंदे यहाँ पर बंद किए हैं थर्टी फंदे बंद करने के बाद अब इधर हमारे ये ट्वेंटी फंदे बचे हैं ये हमारा इधर वाला जो लेफ़्ट साइड का पीस है अब हम इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपने इन फंदों को पलट लेंगे दूसरी सिलाई में बिना बुने ही उतार लेंगे देखिए ये सिलाई ली हमने ये सिलाई में इस तरीके से इन सारे फंदों को हम उतार लेंगे तो फ्रेंड्स हमने फंदे अपने पलट लिए हैं इस पीस को भी हम देखिए ऐसे रखेंगे दोनों सिलाई को आपस में अब इनको भी हम सारे फंदों को जैसे दूसरी साइड का मोटा ज्वाइन किया वैसे ही करेंगे दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे एक आगे वाली सिलाई में से एक पीछे वाली सिलाई में से दो फंदों का एक कर देंगे और सिलाई में जो फंदा है वो इसी को ऊपर से उतार देंगे दो फंदों का एक फिर से पहला फंदा दूसरे फंदे पे से उतारेंगे दोबारा से दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लिया दो फंदों का एक किया और पहला फंदा उसके ऊपर से उतार दिया तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने इधर के मोडे के भी ये सारे फंदे बंद कर लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए हमने अपने इधर की साइड के भी मोडे के फंदे पूरे ज्वाइन कर दिए हैं दोनों साइड के मोडे हमारे ज्वाइन हो गए हैं अब यहाँ पर हमारे एक फंदा बचा है इस फंदे के अंदर से हम देखिए जो ज्वाइन वाला धागा है और एक इधर से मोडे वाला धागा है दोनों धागों को हम इस एक फंदे के अंदर से निकाल लेंगे और इस फंदे को भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे तो देखिये ये धागा निकाल लें हमने यहाँ से और इस फंदे को भी टाइट हम ज्वाइन करेंगे अब इस धागे को हम अंदर इधर की साइड सुई में डालकर अंदर की साइड इसको हम पक्का कर देंगे सुई में डालेंगे और अंदर हम इसे पक्का करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्वेटर बनकर तैयार है इस तरीके से तो ये हमारा स्वेटर ऐसे बना है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के लिए पहले हम इसको उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद जहाँ से हमने मोटे की कटाई की है वहाँ से हम पकड़ेंगे इसको आपस में इस तरीके से पकड़ने के बाद इससे नीचे का पार्ट हम यहाँ पर सिलाई करेंगे इसके नीचे के पार्ट को यहाँ से जहाँ से मोटे की कटाई स्टार्ट की थी इससे नीचे नीचे हम पूरा ये सिलाई करेंगे दोनों साइड से हम इसी तरीके से इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने स्वेटर की सिलाई कर ली है इधर से भी और उधर से भी तो ये देखिए जहाँ तक हमने ये मोडे की कटाई की है वहाँ से लेकर नीचे तक की हमने ये सिलाई इसमें की है तो सिलाई करने के बाद अब हम इसमें अपने बटन लगाएंगे एक दो तीन तीन होल हमने किए थे तो तीन बटन हम इस पर लगाएंगे तो फ्रेंड्स हमने अपने बटन लगा लिए हैं तीन बटन हम इस पर लगाए हैं तीन बटन लगाने के बाद अब हमारा ये स्वेटर बनकर तैयार है थैंक यू फ्रेंड्स